हे वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आपको पता ही है, लास्ट वीडियो आप आई होप आपने देखा होगा, तो उसमें आपको पता है कि मेरे को सीओ की पोस्ट मिल गई थी, ठीक है। और उसके बाद में कोई एक गैंग थी जो कि लॉस सेंटोस वेगास की जो गैंग है उसने अटैक कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने लेनर से बात की और बाकी की बात मैंने लेसनर को पता लगाने को बोला था, और उसने बोला है कि आज दोपहर तक पता चल जाएगा, ठीक है। जब तक अपन को चलता है अपन ऑफिस, क्योंकि ऑफिस का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो आज क्या है कि जो अपने वो अपने जो सीओ की पोस्ट मिली है तो अपन को आज जल्दी जाना होगा, तो इसलिए मॉर्निंग में मैं फटाफट से तैयार हो गया हूँ, ठीक है। सूट वूट पहन लिया अपन को, ठीक है। तो अपन क्या है कि जो देखो जींस वगैरह पहन के तो जा नहीं सकते, ठीक है ना, सीओ की पोस्ट है, ठीक है ना। तो अपन चलता है सीधा, ये अपने सिक्योरिटी लगी हुई है, आपको पता ही है, आपने देखा था। तो अपने ऊपर अटैक होने के बाद मैंने इमीडिएट है ना जो अपने ऑफिस के सीनियर्स हैं उनसे बात करके मैंने इमीडिएट सिक्योरिटी को अरेंज करवाने को बोला था, और उन्होंने सिक्योरिटी अरेंज करवा दी थी। यहाँ पे घर पे भी है होम सिक्योरिटी और मेरे साथ एक बॉडी गार्ड है, और ऊपर से मेरे को ड्राइवर वगैरह भी अरेंज करवाया गया था। बट ड्राइवर का आपको पता ही है, अपन ड्राइव करते नहीं, ड्राइवर ड्राइव करता है, अपन को कहीं पे भी जाना होता है, इस वजह से मैं ड्राइवर को ये छुट्टी पे रखा हुआ है, मैं उसको बुलाता नहीं हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जो जो ऑफिस की सिक्योरिटी है वो भी लगी हुई है वहाँ पे ऑफिस के वहाँ, और मैंने और सिक्योरिटी बढ़वाने को बोला था, और ऑफिस वालों ने और सिक्योरिटी बढ़ा दी है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने ये जो कार है उसको भी मैंने अरेंज करने को बोला, मेरे को एक बुलेट प्रूफ कार का मैंने ऑफिस को बोला कि मेरे ऊपर हो सकता है कि मेरे ऊपर क्योंकि बड़ी पोस्ट है, तो उन्होंने और सिक्योरिटी बढ़ाने और कार एक बुलेट प्रूफ कार देने का प्रॉमिस किया। उन्होंने बोला है कि अगले 1 वीक के अंदर अंदर ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि देखो जो भी खर्चा वगैरह होता है तो उनको सीनियर्स को बात करके फिर करना पड़ता है, ठीक है ना। और सिक्योरिटी होती है तो उनको देखना पड़ता है ऐसा कौन है जो इसकी इतनी सिक्योरिटी मांग रहा है, ठीक है ना। सीओ है, ठीक है, लेकिन फिर क्या गुंडा तो नहीं है इस तरह का, तो उस हिसाब से अपन ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो अपन को ये अभी फिलहाल देख लेते हैं, उसके बाद में ये अपना आपको पता ही है शोरूम अपन ने बाय किया हुआ, ठीक है। लोकेशन देखनी पड़ेगी यार, एक तो मैं पूछ जाता हूँ बार बार, ठीक है। एक तो क्या ऑफिस की पता नहीं लोकेशन यार कहाँ पे है, पता नहीं है रास्ता जाता तो है एक, ठीक है। तो अपन चलते हैं सीधा वहीं पे, देखो टाइम पर जाना पड़ेगा आज तो, ठीक है ना। अब ऑन ड्यूटी है तो क्या करें, अब यार जाना तो पड़ेगा, कुछ 1-2 घंटे के लिए जाओ लेकिन जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर अपन ने ना जो अपने लॉयर है उससे बात करेंगे, उसके जो भी वो गैंग अटैक किया था उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। उसको टपकाना है तो टपकाना ही है, ऐसा थोड़ी होता है कोई भी कहीं पर भी जाएंगे अटैक कर देंगे यार, एकदम से अटैक हो गया, जान भी जा सकती थी। चलो ठीक है, टाइम पर अच्छा है वो आके बच गए, ठीक है। तो अपन चलते हैं सीधा गाड़ी वगैरह पार्क कर लेते हैं और फिर चलते हैं। ओके, तो इन्होंने और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी, और आप देख सकते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए इन्होंने, ठीक है। पहले अपने पास 2 ही बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उसके बाद यहाँ पे अरे नहीं चढ़ा रहा हूँ गाड़ी, सिक्योरिटी मेरी हो तो किसी और की है, ठीक है। तो उन्होंने और सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, 5-7 बॉडीगार्ड और रख लिए, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है, 4 सिक्योरिटी और गार्ड लगा दिए, ठीक है यार, इतनी बहुत है यार, इतना भी फिर कोई अपन को इतना भी बड़े नहीं है, ठीक है ना। सीधा ऑफिस में चलते हैं, कहाँ गए रिसेप्शन, ठीक है यहाँ पे बैठी है, ठीक है ये भी चलो इसको बोल दिया था मॉर्निंग में, फटाफट से आ गए हैं, ठीक है। बाकी की डील्स वगैरह देखते हैं आज, लेसनर वगैरह को बुलाएंगे यहाँ पे, और सुन फ्रेंकली ने कार बाएगी आपको पता ही है, ठीक है। तो वेट एंड वॉच करते हैं, क्योंकि बाकी ऑफिस का काम है, ऑफिस का काम करता हूँ उसके बाद अपन मिलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को जो ऑफिस का जो सीओ की पोस्ट है तो इसमें कुछ वर्क आया हुआ वो कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद अपन बाकी आके चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, मेरे लॉयर्स वगैरह से बात करके, ठीक है ना। तब तक वेट एंड वॉच करते हैं। ओके गाइस, अपना काम हो गया तो अपन चल रहे हैं अब सीधा, ठीक है, घर पे, तो मतलब अपना जो काम है उसके लिए। ओके, ओह शिट, पुलिस आई भी है, ओह शिट, अपने यहाँ पे पुलिस, चलिए मैं सीनियर से बात करता हूँ क्यों आई है पुलिस, हो सकता है मेरे लॉयर से बात हुई थी, मैं बात करके बताता हूँ। ओके दोस्तों, मेरी इनसे बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली मेरे जो लॉयर है उससे मेरी बात हुई थी, ठीक है। उसने बोला था मेरे को, मेरी उससे बात हुई ना, तो उसने क्या किया, इन पुलिस वालों से बात कर ली थी, जो जो मैं बता रहा था ना इसकी, मेरे जो लॉयर है उनकी जान पहचान है, ठीक है ना, लॉयर की तो ऑब्वियसली होती है, ठीक है। तो ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो आए हैं ना स्क्वाड, ये मेरे को है ना सिक्योरिटी देने के लिए आए, तो मेरी इनसे जो मेरे सीनियर उनसे बात हुई थी, उसने बोला है कि आपको है ना पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि आपके लॉयर से हमारी बात हुई है। लॉयर ने बोला है कि आपको जो सिक्योरिटी देंगे, क्योंकि है ना एक्चुअली आपकी जान के रिस्क है, क्योंकि कल जो हमारे ऊपर अटैक हुआ था, तो उसने बोला है कि मेरे, फिर मैंने लॉयर से बात की तो लॉयर ने बोला जाके फटाफट से पुलिस कंप्लेन कर दो, जिससे कि तुम सेफली बच जाओगे, तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा कि तुम अगर है ना सेफली यहाँ से नहीं निकलोगे तो क्या क्या पुलिस कंप्लेन नहीं करोगे तो क्या होगा, पुलिस वालों को तुम पर शक हो जाएगा, और जो मर्डर्स हुए हैं उसको क्या कहना एक्चुअली न्यूज़पेपर में प्रिंट न्यूज़पेपर में छप चुका है, तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि तुम पुलिस स्टेशन जाके फटाफट से रिपोर्ट लिखवा दो, ठीक है।
तो ये जो पुलिस वाले, ये जो पुलिस वाले की जो आ रही है, वो पुलिस वाले हमारे साथ आए, वो इसलिए आए क्योंकि हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम मेरे ऊपर कोई अटैक वगैरह हो जाए अभी तो वो मेरे को सिक्योर कर सके। इस चक्कर में यहाँ पर ना मेरे ऑफिस में पुलिस की जो ये कार्स वगैरह आई है, सिक्योरिटी आई है, वो इसी चक्कर में आई थी। ठीक है, और कोई बात नहीं है, लेकिन मैं फटाफट से जाता हूँ और जो पुलिस कंप्लेंट है वो कर देता हूँ, FIR लॉन्च कर देता हूँ, जिससे कि मेरे ऊपर कोई खतरा वगैरह नहीं हो। नहीं तो पुलिस वाले क्या होगा, मेरे को अरेस्ट कर सकते हैं। और अभी क्योंकि ये भी सिक्योरिटी इस वजह से दे रहे हैं, आपको पता ही है मेरे पास CEO की पोस्ट है, इस वजह से सिक्योरिटी दे रहे हो, वरना तो आपको पता, वरना तो हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे तब भी पुलिस वाले हमको नहीं पूछते, ये तो आपको आईडी होगा आई। तो ये है, फटाफट से चलते हैं, और आई वो इस साइड में ही है मेरे हिसाब से पुलिस स्टेशन का। हाँ, अंदर जाता हूँ मैं, फटाफट से पुलिस कंप्लेन करके आता जाता हूँ, और पुलिस की सिक्योरिटी है जो कि साथ ही है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया मेरे को। ठीक है, और सिक्योरिटी के साथ और फटाफट से जाके मैं पुलिस कंप्लेन करके फटाफट मैं आता हूँ। दोस्तों मैंने पुलिस कंप्लेन कर दिया, ठीक है, और मैं पुलिस कंप्लेन करके आ गया हूँ, और फटाफट उन्होंने कहा है कि जो भी तुम्हारे आपके ऊपर जो भी अटैक्स हुए हैं वो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और फटाफट से पता लगाएंगे कि क्या हुआ, किस वजह से अटैक हुआ है, और बाकी की वो कह रहे हैं कि आप सेफ रहिए, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इन्होंने कहा है कि आपको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, तो इनकी तरफ से अपन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे कि अपन को कोई रिस्क वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से चलते हैं अपन सीधा अपने घर पर फिलहाल, तो ठीक है, और जाके फ्रैंकलिन वगैरह से बात करते हैं। ठीक है, फ्रैंकलिन एक्चुअली वो कार उसने परचेज की थी, तो मेरे को क्या उसकी कार है ना घर पे ड्रॉप करके आनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये काम करता हूँ मैं, डायरेक्ट शोरूम ही चलता हूँ। ठीक है, वहाँ से उन्होंने कार रेडी कर दी होगी, अगर कर दी होगी तो अपन जाके वहाँ पर सीधा से उसको फ्रैंकलिन के वहाँ ड्रॉप करके आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रैंकलिन को गिफ्ट ये तो करके आए, आपको पता ही होगा उसने लेम्बोर्गिनी यूरस ली थी, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख डॉलर्स की परचेज की थी उसने, उसके 60 या 70,000 उसने डिपॉजिट करवा दी थी। ठीक है, और बाकी 1.3 है जो कि कह रहा है को बाद में धीरे धीरे करके दे देगा। ठीक है, तो जो जो भी मंथली की इनकम होगी, तो ठीक है नेक्स्ट मंथ की भी इनकम आने वाली है जो, और आई 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 थिंक है ना अब बढ़ने वाली है। ठीक है, और एक मैं आपको बात बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को जो है ना CEO की पोस्ट मिली था, आपको पता है 1.2 लाख डॉलर पर मंथ मिलेंगे, तो मैंने एक लेम्बरगिनी का वो सॉरी जो फरारी का शोरूम है जो कि मैंने आपको दिखाया था, मैं परचेस करने वाला था और मैं कर नहीं पाया, क्योंकि फिर अगर मैं वो परचेस कर लेता तो मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैं कार्स वगैरह ले नहीं पाता, तो ये शोरूम स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट हो नहीं पाता, तो ये मैंने एक ना शोरूम स्टार्ट किया था, जिसमें अपन अलग अलग कार, कुछ एक अपने पास मैकलेरन है, कुछ होंडाई की गाड़ी है, मर्सिडीज की है। ठीक है, तो वो शोरूम लिया था, ठीक है, ऑल इन वन। ठीक है, और अब मैं लेने जा रहा हूँ फरारी का शोरूम। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, जब मैंने सारे कुछ प्रॉपर्टीज मेरे प्रॉपर्टी डीलर ने कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई थी, तब मैंने आपको दिखाई थी कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेल के लिए आई। ठीक है, तो आज अपन बाय करेंगे फरारी का शोरूम, ठीक है, जिससे कि अपना बिजनेस है वो एक्सपेंड हो सके और जल्द से जल्द अपन बड़ा पैसा छाप सके। ठीक है ना, तो फिलहाल तो मैं जाता हूँ ना फ्रैंकलिन के वहाँ, और कार पिकअप कर लेता हूँ और उसको ड्रॉप करके आता हूँ। ठीक है, अपन चलते हैं सीधा अपने फ्रैंकलिन की कार को पिकअप करने के लिए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं लोकेशन डाल देता हूँ गाड़ी, तो पता नहीं आज मैं कहाँ चला जाता हूँ। ठीक, तो लोकेशन मतलब नहीं मैप ऐसा, मतलब GTA San Andreas था ना उसका पूरा मैप मेरे को ना, मतलब एक एक सिंगल रोड मेरे को यार ना याद है, लेकिन इसमें क्या है कि मेरे को एक भी चीज़ याद नहीं रहती। ठीक है, पता नहीं यार क्या है इसमें याद नहीं रहता है, पता नहीं इतनी सारी, एक तो है ना क्या क्या रोड है पता नहीं, इन्होंने रोड भी पता नहीं कैसे कैसे बनाई हुई है इन्होंने। ओ शिट 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 शिट, ओ बच गया यार कसम से, CEO की गाड़ी बच गई, वरना अंदर बॉडीगार्ड बैठा ठोक देता इनको कहीं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी इसको मैंने परमिशन नहीं दी है, वरना क्या होता है कहना इसको, अगर मैं कमांड दे दूँ ना, मतलब इसको बोल दूँ ना, तो क्या होगा फिर, क्या है कोई भी है ना कुछ भी अंदर आके ठुकेगा कुछ भी करेगा, तो ये उसको से तो उड़ा देगा। अभी हुआ था, मैं जब घर से निकल रहा था ना, तो बीच में एक दिन आया था, ठीक है, तो उसने क्या किया उसकी गाड़ी पूरी उड़ा दी, इसके पास पता नहीं गन यार सॉलिड वाली गन है इसके पास, तो इसलिए क्या मैं उसको परमिशन देता नहीं हूँ। और शाम होने पर आई है, तो अपन यहाँ से कार करते हैं, फ्रैंकलिन की कार को पिकअप करते हैं, लेम्बोर्गिनी है। ठीक है, और अपन उसको, और यहाँ पे आपको पता ही है मैंने बॉडी गार्ड है अपन यहाँ पे अरेंज कर लिया है, ताकि अपन को सिक्योरिटी रहे यहाँ पे शोरूम में भी। ठीक है ना, यहाँ पे भी मैंने बॉडी गार्ड लगवा दिए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है, तो मैं फटाफट से फ्रैंकलिन की गाड़ी लेके आता हूँ, अपन चलते हैं फिर देने के लिए उसको। गाइज फ्रैंकलिन की गाड़ी रेडी है, ठीक है, और उसने पता नहीं यार व्हाइट कलर को पसंद किया। ठीक है ना, तो अपन को क्या कुछ ऑफिस का काम था मेरा, मतलब यहाँ पे शोरूम का कुछ वर्क था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, जो मेरे ये जो मैनेजर उसने बोला था। ठीक है, पता नहीं ये तो काम ये सब दिन बात करता रहता है, पता नहीं यार इसके डील्स वगैरह। ठीक है, तो मैंने कुछ लेन देन करनी थी वो कर लिया। ठीक है, और ये इसकी कार है जो कि फ्रैंकलिन की, पता नहीं यार व्हाइट कलर पसंद किया मेरे को, तो येलो और ऑरेंज पता नहीं कौन कौन से कलर बोल रहा था, और ये पसंद किया उसने, और इसने पूरी की पूरी फुल्ली अपग्रेड करी। और ये मैं आपको बता दूँ, ये जो कार है इसको अपग्रेड किया है इसने, लेम्बोर्गिनी यूरस को
2 लाख रुपीज़ नहीं, इसने जो ये परचेज किए 3 लाख रुपीज़, मतलब $3 लाख में इसने परचेज किया, मतलब है ना इसने 1 लाख रुपीज़ इसको, मतलब $1 लाख जो इसको इसके ऊपर जो खर्च किया वो ओनली फॉर अपग्रेडेशन के लिए किया, मतलब इसने इंजन वगैरह जो भी है इसने अपग्रेड किया, पता नहीं आज आप चला के देखता हूँ। मेरे पास जो लेम्बर की आपको पता ही था मेरे पास भी थी यूरस, मैंने सेल कर दी थी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और ये भाई साहब ऐसे है जो इस बिजनेस को, और ये मैं वापस आके ले जाऊंगा, ये मेरे जो CEO की व्हीकल है और मेरा जो बॉडी गार्ड है उसका गाड़ी के अंदर ही है, ठीक है, वो इसको ध्यान रख रहा है, और इसको मैंने बोल दिया तो ये गाड़ी ले अभी है ना यहाँ पे काम होने के बाद, कुछ मेरे पैसे है वो डील्स लेने आने वाला है, वो पैसे लेके ये कार को जो कि मेरे घर पे ऊपर घर पे ड्रॉप कर देगा, ठीक है। और फिलहाल तो मैं अभी अकेला ही हूँ, ठीक है, अपन अकेले किसी से कम नहीं है, ठीक है ना, तो ठीक है। और जो पुलिस की सिक्योरिटी थी वो उसको मैंने घर पे भेज दिया, ठीक है ना, तो अभी फिलहाल तो मैं अकेले ही हूँ, साथ में कोई है नहीं, ठीक है, क्योंकि फ्रैंकलिन की गाड़ी ड्रॉप करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे ज़्यादा होने की जरूरी नहीं है कि साथ में कोई होना चाहिए, क्योंकि रिस्क होता है, पुलिस को भी शक हो सकता है कि ये क्या कर रहे हैं, कौन से गाड़ी लेकर जा रहे हैं, CEO है कि क्या कर रहा है, इस वजह से मैंने थोड़ा मामला थोड़ा सेट करके इधर उधर कर दिया, ठीक है। और फ्रैंकलिन का घर यार, एक तो मेरे को इसका फ्रैंकलिन का घर का ही आइडिया नहीं है, पता नहीं कहाँ यार वो, यार यहाँ पर कहाँ डालूँ मैं भी, यार नई गाड़ी है, पैसे कहाँ से दूँगा, अब हट रहे, अरे हट भी नहीं रहे, अरे हटना यार इडियट, गाड़ी कहाँ से निकल गया, पीछे जगह पर है, अरे यार पीछे भी गाड़ी आ गई, अबे निकलना यार, क्या ग्रीन रेड लाइट ठोके रेड लाइट को, यार क्या आदमी यार, अबे निकल निकल भी नहीं रहा यार, क्या आदमी, अपन ही निकलते हैं काम करती है तो निकलेगा नहीं, अरे वाह चलो रेड लाइट हो गई, रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो गई, और हुई तब यार निकल पहले ही गया है, चलो कोई बात नहीं, अपन को क्या करना है, अपन फटाफट से चलते हैं फ्रैंकलिन के घर पे, ठीक है। और पुलिस वाले की सिक्योरिटी थी वो मैंने घर पे भेज दी, क्योंकि ना मेरे को ना साथ होता था फ्रैंकलिन के ऊपर, हमारे ऊपर शक हो सकता है कि ये कौन सा बिजनेस कर, ये CEO है या फिर इसके ये फ्रेंड है, तो क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर केस होगा तो इनको शक हो सकता है, इसलिए मैंने पुलिस को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। और बॉडीगार्ड है वो मेरी कार को पिकअप करके, मेरा कैश का एक बैग है जो कि शोरूम से पिकअप करेगा और घर लेके जाएगा, ठीक है, तो वो जब तक आता है जब क्या जस्ट पास में, इसलिए मैंने इसको भेज दिया है सिक्योरिटी के, मैंने कहा कोई बात नहीं साथ नहीं रहेगी उसको चलेगा, ठीक है, तो उसको मैंने फटाफट से भेज दिया, जब तक अपन इसको क्या करते हैं कार ड्रॉप करके आ जाते हैं और फ्रैंकलिन मेरे को घर पर ड्रॉप कर देगा वापस, या फिर मैं चला जाऊंगा टैक्सी बुला के। ओ शिट यार, मतलब कुछ $3 लाख की कार बच गई यार, अभी थोड़ा सा रिस्क आ जाता ना तो फ्रैंकलिन तो इसको लेता नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही है, पता नहीं यार फिर क्या है, वो भी यार गलती मेरी है, वो क्यों लेगा, स्क्रैच स्क्रैच वगैरह लगी हुई कार, सही बात है, अभी अपने गले पड़ जाती 3 लाख रुपीज़ है, कम से कम 50,000 का तो इस पर ऊपर खर्चा होता है, कहाँ से देते अपन, ठीक है, तो अपन को बहुत ही ईजिली आराम से लेके जाना है इसको। और यार मेरे को तो इसके घर पर जाने पर डर लगता है, मैं तो मेरी गाड़ी भी यहाँ पर नहीं लेके आता, वो खटारे गाड़ी पड़ी है ना ये ब्लैक कलर की ऑडी टाइप, वो लेके आता हूँ, वो ठूके तो ठूके मेरे क्या जावे, उसका खर्चा क्या ज़्यादा नहीं आता उसको रिपेयरिंग का, यार उनका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, मेरे पास वैसे भी पैसे बहुत कम है, और उसके बाद भी क्योंकि मेरे को है ना और भी है ना वो 1.5 लाख रुपीज़ है ना मेरे को पे करना है इम्पोर्ट वाले को, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कार लेके आ गया हूँ, डालता रहेगा गैरेज वेरेज में, अपन यहाँ पे रख देते हैं और इसको बोल के आ जाते हैं, ठीक है, रात भी हो गई है तो मैं जाता हूँ फ्रैंकलिन को बोल के आ जाता हूँ फटाफट से, ठीक है, और कार ड्रॉप कर दी और उससे मिल के फटाफट आ जाते हैं फ्रैंकलिन से, मेरी कैब वाले से बात हो गई, मैं फ्रैंकलिन से मिल के आ गया, मैंने कार के कीज उसको दे दी और एक मैंने कैब वाले को कॉल कर दिया, तो कैब वाला कभी भी आते होगा, ठीक है, फटाफट चलते हैं फिर, कैब वाले को कॉल तो मैंने कर दिया और रात भी बहुत हो गई, हाँ चलो आ गया ये फटाफट आ फटाफट आ फटाफट, वाह ड्रिंक करके आया क्या, मेरे को लग रहा था रुपी क्या है यार, ऐसे क्या गाड़ी चला रहा है, मतलब ऐसे कौन टैक्सी भाड़े की और ऐसे चला रहा है, ठीक है फटाफट चलते हैं अपन, ठीक है, ये मैंने घर की लोकेशन डाली है और ये घर पर ड्रॉप कर देगा अपन को, ठीक है फटाफट घर पर चलते हैं, तो अपन घर पर आ चुके हैं, ठीक है, और ओके पुलिस के कुछ गार्ड्स पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो भी आए हुए हैं, और ये ठीक है कार रखी हुई यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक है इन्होंने यहाँ पे घर पे भी सिक्योरिटी लगा दी है, तो यहाँ पे जो दो पुलिस वाले खड़े हैं और अंदर कुछ अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बॉडी गार्ड्स है वो भी खड़े हैं, ठीक है, तो अभी हो गई रात, तो अपन अभी जाके मैं सोता हूँ और अपन मिलेंगे मॉर्निंग में, ठीक है, फिलहाल मॉर्निंग होने का इंतजार करते हैं, जब तक जाके सो लेता हूँ यार, थोड़ा रेस्ट करना भी जरूरी है। गाइस तो सुबह हो गई है और अपन ने नाश्ता वास्ता कर लिया, ठीक है ना, ब्रेकफास्ट अपन ने कर लिया, तो अपन चलते हैं, ठीक है, तो अपन अब मेरे को है ना जैसे कि ना आपको पता ही है कि ना रात को मैं ना फ्रैंकलिन को कार ड्रॉप करके आया था, ठीक है, तो फ्रैंकलिन वगैरह देखेंगे शायद ना वो आज शोरूम जाएगा, तो कुछ पेपर वर्क वगैरह है जो मैंने बोला कि आज मैं शोरूम जा नहीं पाऊंगा क्योंकि अपने पास CEO की पोस्ट है तो अपन जा नहीं सकते, ठीक है ना, तो अपने पास वैसे भी सिक्योरिटी वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और अपनी कार है, ठीक है, तो अपन ने ना देखो अब सब काम तो बिजनेस अपन कर नहीं सकते, ठीक है, और आज मैं हूँ छुट्टी पे, ठीक है, तो आज
जैसे अपन ऑफिस जाना है और मेरे को एक फाइल है जो कि मैं ऑफिस में भूल गया था, वो मैं लेके आऊंगा, ठीक है। वो लेने के लिए अपन को ऑफिस चलना, बस यही काम है, जस्ट एक मिनट का काम है, फाइल लेके आनी है और कुछ एक दो साइन करने हैं, जो कि अपने जो असिस्टेंट है उसने बोला एक दो पेपर पे साइन करने हैं, तो वो अपन साइन करके अपना ये इतना सा 1 मिनट का काम है अपन वो करके फिर अपन चलेंगे सीधा फरारी के शोरूम में, ठीक है। अपन जो फरारी का शोरूम है उसकी डील करेंगे, तो अपन आज डील कंफर्म कर लेंगे और वो जो परचेज है वो अपन अकेले कर रहे हैं, ठीक है। वो शोरूम अपना होगा, ठीक है। तो अपन इस एक नया बिजनेस बाय कर रहे हैं और उसमें कुछ कार्स वगैरह भी है, और अपन एक नई कुछ और भी मैंने इम्पोर्ट किए कार्स, वो भी मैं मंगवा रहा हूँ, तो अपन उसमें स्टोर करेंगे, ठीक है। और ये जो डील है फरारी के शोरूम की, ये लगभग है ना फाइनल, मैंने उसको पूछा था तब उसने बोला था कि ऑलमोस्ट 5 मिलियन डॉलर की होगी, तो उसको 5 मिलियन डॉलर्स अपन को पे करने पड़ेंगे जब जाके वो अपनी डील होगी। तो अपने पास 1.2 लाख डॉलर जो है वो पर मंथ की सैलरी है, और अपन बिजनेस का लोन लेके अपन वो उस बिजनेस को अपन बाय कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिलियन डॉलर का उसने बोला था, ठीक है। तो अपने पास 1.2 लाख पर मंथ के हिसाब से सीईओ की पोस्ट है, तो अपन को बिजनेस दे देंगे, ठीक है। तो यानी कि अपन वो प्रॉपर्टी वो परचेज कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कार्स वगैरह उसकी भी वो अपन को एक साथ ही देंगे, ठीक है। कुछ कार्स है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब कुछ अपन को प्रोवाइड करवा के देंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपन सीधा अपने एक है ना बस है ना वो फाइल लेनी है, उस चक्कर में जा रहा हूँ क्योंकि फाइल एक्चुअली मेरे को क्या कहना लेके जानी है और अपने असिस्टेंट को देनी है, जैसे कि वो क्या बैंक का कुछ वर्क है वो करेगा, वो क्योंकि वो जो पैसे विड्रॉ वगैरह मैंने किए थे तो उस वजह से वो फाइल चाहिए, ठीक है। अपन फटाफट से चलते हैं ऑफिस और अपन फटाफट से वो फाइल कलर करके टू दो से तीन सिग्नेचर करने हैं, तो फटाफट सिग्नेचर करके अपन ये काम फ्री होकर फिर चलेंगे सीधा का सीधा अपन फरारी के जो अपने प्रॉपर्टी है वहाँ पे चलते हैं और उसको डील करके फाइनल करते हैं अपन, ठीक है। और ऑलमोस्ट मतलब मैंने डील तो ऑलमोस्ट हुई भी है और अपन को पैसे दे के इसको कन्फर्म करना है, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ पे चलते हैं सीधा। ओके, जैसे कि मैंने बोला था ना आपको, जैसे कि ना मैंने पुलिस FIR की थी यहाँ पे भी, जो जैसे कि आपको घर पे भी देखी थी, घर पे भी सिक्योरिटी लगी हुई है पुलिस की, रात को मैंने दिखाया तो अभी देखी थी, और यहाँ पे भी ये करना मतलब यानी कि अपन को घर और ना जो अपने ऐसा है ना जो CEO का ऑफिस है उसमें दोनों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी, क्योंकि इनको आइडिया नहीं, अपन शोरूम का बिजनेस वगैरह चलवा रहे तो वो उनको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये अभी इन्होंने जो अपन जहाँ जॉब करते हैं यानी कि अपनी CEO की पोस्ट है, ये अपना ऑफिस और अपना जो हाउस है वहाँ पे इन्होंने पुलिस की सिक्योरिटी है ना प्रोवाइड करवा दी है, जैसे कि अपन को सिक्योर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि मैंने कल आपको जैसे बोला था ना मैंने, तो कहना जो ये सिक्योरिटी अपने साथ रहेगी, ठीक है, लेकिन मैंने बोल दिया क्योंकि फैमिली की सिक्योरिटी जरूरी होती है, तो एक मैंने फैमिली का बोला तो दूसरी सिक्योरिटी इन्होंने ऑफिस में प्रोवाइड करवा दी, और मेरे साथ बॉडी गार्ड है तो इस वजह से इनको कोई टेंशन नहीं है। तो बाकी देख लेंगे अपन अपने जो लॉयर वगैरह है उससे बात करेंगे। तो मैं फटाफट से जाके फाइल लेके आता हूँ, ठीक है। तो मैं फाइल वाइल लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो पेपर था वो साइन वगैरह कर दिए, तो फटाफट से चलते हैं अब, ठीक है। अब फरारी के शोरूम में चलते हैं और वहाँ पे चल के देखते हैं, ठीक है। और ये सिक्योरिटी ऐसे ही रहेगी यहाँ पे, अरे लड़ो मत यार, क्या ये मेरे ही बॉडी गार्ड है, तुम ही मेरे ही हो, ऐसे तो फाइट वाइट क्यों कर रहा, ठीक है। अब यार वो शोरूम एक्चुअल में है कहाँ पे, मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा यार, मेरे को क्या वो शोरूम का एग्जैक्टली लोकेशन मेरे को आइडिया नहीं है यार, पता नहीं है तो यहीं कहीं पे है, लेकिन मेरे को देखना पड़ेगा है कहाँ पे है, आई थिंक यहाँ पे कहीं पे होना तो चाहिए, क्योंकि वो वाले जो है ना शोरूम है वो अपना यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे कहीं पे होके जाके ही है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है तो उसके आसपास ही है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन पहले चलते हैं और देख लेंगे, ठीक है। और यार मैंने ना एक्चुअली कार का मेरे को बोला है ना, तो अभी मॉर्निंग में मेरे पास कॉल आया था, ठीक है, सीनियर्स का मेरा, तो उन्होंने बोला कि आप है ना कार जो परचेस करना चाहते हो वो परचेस कर लीजिए, जो पेमेंट है वो है ना हमारी है ना जो फर्म है वो कर देगी, यानी कि उनके द्वारा पेमेंट कर दिया जाएगा, तो मेरे को मैं जो कार परचेस करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, तो ठीक है। तो अभी चलेंगे अपन, देखेंगे कोई कार वगैरह अपन को पसंद आएगी तो अपन वो परचेस के लिए डाल देंगे, ठीक है। तो पेमेंट जो है वो कंपनी कर देगी, अपन को कोई दिक्कत नहीं, अपन CEO है तो अपन पेमेंट तो कंपनी की तरफ से कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहीं कहीं पे है यार, लोकेशन मैंने यहीं की डाली थी, ठीक है, तो यहीं कहीं पे है, देखना पड़ेगा यार, मेरे को भी आइडिया नहीं है, पता नहीं कहाँ है यार उस शोरूम भी यार, नहीं पता नहीं, ऐसा बना हुआ है खतरनाक जगह पे, देखना पड़ता है यार हर बार, कोई बात नहीं, चलो ढूंढते हैं। क्या एक प्रॉपर्टी डीलर साथ नहीं है ना, वो पिछली बार क्या वो मेरे को लेके गया था, वो ड्राइव कर रहा था ना सब जगह, वो लेके गया था, तो मेरे को आइडिया नहीं यार, उसने दिखाया था, फिर उसके बाद मैं क्या काफ़ी टाइम हो गया ना मैं गया नहीं ना, तो मेरा तो क्या यही एक शोरूम है ना यहीं पर काम होता है, उसके अलावा कहीं होता नहीं है, तो मैं कहीं गया नहीं, तो मेरे को भी आइडिया नहीं यार है कहाँ पे एक्चुअल में। और ये बॉडीगार्ड भी साथ ही है तो ये भी कुछ सोच रहा होगा कैसे लोग हैं यार, इतनी बड़ी पोस्ट और जगह का पता नहीं है, ठीक है ना। हाँ यहीं पे, यहीं पे ये एक्चुअली ये लोकेशन सबसे परफेक्ट है, यहीं पे यार यहीं पे होना चाहिए यार, सेम ऐसा कैसा एक और बना मतलब इसके आसपास कहीं है, मतलब ये एक साइड है ना तो सेकंड गेट एक और, अरे इडियट क्या कर रहा हो यार, इतनी महंगी गाड़ी है, ठीक
ठीक है, अगर अभी चेंज करनी है तो कोई दिक्कत की बात है? हटिया कहाँ बीच में? हाँ तो उसकी उस साइड में होगा मेरे हिसाब से, है तो यही कहीं पे, क्योंकि पार्क बना हुआ है जस्ट पास में ना, पार्क है ना ये सेम वैसे वैसे पार्क भी है, तो पार्क भी बना हुआ है तो यही कहीं पे है, पता नहीं यार ढूंढना पड़ रहा था। मेरे को लगा जस्ट ये मिल गया तो मेरे को लगा यार यही वाला ही होगा ठीक है, लेकिन अपन तो यार बिल्कुल जैसे यहीं कहीं घूम रहे हैं, क्या करें यार लोग, मेरे को तो सब एक जैसे, मैं कह रहा हूँ ना सब एक जैसी लगती है, मैं क्या वहां पर गया नहीं, ये फर्स्ट टाइम, वो एक बार ही जब देना डील करनी थी ना तब गया था, उसके बाद मैं गया नहीं ठीक है। बाकी मेरा प्रॉपर्टी डीलर ने उसने बोला मैं डील वगैरह कर दूंगा, आप जाके एक बार शोरूम कन्फर्म करके मेरे को बता दो, अब जो भी पेमेंट होगा वो अपने बैंक के थ्रू होगा ना, तो मैं उसको चेक दे दूंगा तो वो पेमेंट कर देगा ठीक है, लेकिन यार एक बार मिले तो तब ना यार। हाँ यही है, अपन आ गए, अब ये मैं लोकेशन मार्क कर लूंगा, अब ये कोई टेंशन, वैसे भी क्या अपन आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है। तो ये शोरूम, अब पिछली बार अपन ने देखा तब यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी ये बिजनेस स्टार्ट हुआ ठीक है ना, तो ये बिजनेस कर रहा है लेकिन इनको कुछ पैसों की नीड है, इस वजह से ये सेल कर रहा है ठीक है, तो अपन को उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन ये बिजनेस को बाय कर लेंगे ठीक है। अब आप ये बाहर से देख ही सकते हैं, ये मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था ठीक है ना, ये बैक साइड की लोकेशन, ये मैं कह रहा हूँ पार्क है ना सामने, हाँ तो यही पार्क था, मैं भूल गया यार पता नहीं है ठीक है ना। तो ये अपन चलते हैं और यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कुछ कार्स वगैरह है, ओके पुलिस की कार भी सेल कर रही है, ये फरारी का शोरूम है ठीक है ना, मैंने आपको दिखाया था ठीक है, और वहाँ से एंट्री है ठीक है, और ये पूरा शोरूम है और ऊपर का ऑफिस है, और इन्होंने बोला था हेलीपैड वगैरह भी है, तो देखते हैं अपन क्या क्या है, अपन एक बार चल के फटाफट से देख लेते हैं ठीक है, पूरा वापस से एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, अपन को भी आइडिया नहीं है यहाँ पे कुछ, सब कुछ खाने पीने की सब कुछ सुविधा हुई हुई है ठीक है ना, तो वो कोई अपन को दिक्कत की बात है नहीं ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं अपन ऊपर और चल के देख के आते हैं क्या है क्या नहीं है ठीक है फटाफट से। और ये अपना ऑफिस है ठीक है ना, ये अपना ऑफिस है, यहाँ पे अपन ये जो ये डेस्क लगी हुई अपनी है, येलो कलर की चेयर है ये अपनी है ठीक है यहाँ पे, तो ये अपन, मेरे को तो ये पसंद आ गया, और ये कार्स वगैरह रखी हुई ये मेरे को पसंद आ गया, हो सकता है मेरे को इसमें से कोई कार पसंद आ जाए तो मैं यहीं से बाय कर लूंगा, और जो अमाउंट है वो ज्यादा बता दूंगा, तो क्या कंपनी जो पेमेंट करेगी तो उसमें भी अपना बेनिफिट हो जाएगा, या फिर ये काम करूंगा, ये हेलीपैड है ना ये परचेस कर लूंगा, बाइक की जगह बाइक रहने दूंगा हेलीपैड परचेस कर लूंगा, ये हेलीकॉप्टर जो ये क्या अपन को काम आएगा ठीक है ना, इसमें क्या होगा ये अपन है ना कहीं बाई चांस कहीं जाना होगा ना फटाफट से तो अपन यहाँ से जा पाएंगे, वैसे तो कंपनी प्रोवाइड करवा के देगी, कंपनी की तरफ से भी अपने को हेलीकॉप्टर दिया हुआ है, लेकिन देखेंगे अपन को अगर वो हो सकता है खटाला वटाला नहीं हो, ऐसे तो नहीं होगा यार बहुत बड़ी कंपनी है ठीक है। तो ये जो डील है ना पूरी $5 मिलियन की डील है ठीक है, और मेरे पास लगभग है ना 1 मिलियन के आसपास कैश होगा ठीक है, हम क्योंकि नेक्स्ट मंथ जब सैलरी आएगी तो 1 पॉइंट है ना ठीक है 1.2 लाख डॉलर्स आ जाएंगे ठीक है, और कुछ और पैसे आ जाएंगे और बैंक अकाउंट्स में पड़े, और ये जो है ना गैरेज में अपन जो बिजनेस कर रहे हैं उससे भी पैसा, तो लगभग $1 मिलियन के आसपास तो मेरे पास कैश है, और $4 मिलियन के आसपास जो लोन लेना पड़ेगा तो वो सीईओ की पोस्ट के हिसाब से मेरे को लोन मिल जाएगा, और इस पे भी प्रॉपर्टी के हिसाब से भी मेरे को मिल जाएगा, तो दोनों में से मैं जिस पर लोन लेना चाहूँ उस हिसाब से ले सकता हूँ ठीक है, मेरे को बैंक जो जो मेरी कंपनी है वो भी मेरे को प्रोवाइड करवा सकते हैं ठीक है। तो ये बिजनेस की मैं डील कर लेता हूँ कंफर्म, और जो मेरा लॉयर उसे लॉयर से बात कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज वगैरह की जो भी इसके कागजात है वो सब पेपर्स वगैरह चेक करवा देता हूँ मैं ठीक है इसके, और जो मेरा प्रॉपर्टी डीलर है उसको मैं डील कंफर्म करने को बोल देता हूँ कि मेरे को ये प्रॉपर्टी पसंद है और ये कार्ड्स वगैरह पसंद आ गए तो ये मैं बाय करने को रेडी हूँ ठीक है। तो अपन ये करते हैं परचेस ठीक है ना, फिलहाल तो अपन यहाँ पे हाथ नहीं लगा सकते ठीक है ना, ये अभी अपना कुछ है नहीं, और यहाँ से मैं आपको बाहर चल के भी दिखा देता हूँ, यहाँ से ये गेट है बाहर जाने का ठीक है ना, यहाँ से कार्स वगैरह यहीं से एंटर होती है मेरे साथ, हाँ यहीं से कार्स वगैरह यहीं से एंटर होती है ठीक है ना, ये कार्स वगैरह एंटरिंग यहाँ से है एंटर, ये मेन एंट्री है यहाँ से ठीक है ना, और यहाँ से कार को अंदर लेके जाते हैं ठीक है। अपन चलते हैं अब सीधा, अपन ये मेरे को दिखा दी, अब मैं ना जो प्रॉपर्टी डीलर है वहीं पर चलते हैं, यानी कि आपको पता ही होगा कि मेरा ऑफिस कहाँ पे है, आई आई होप आपने अगर मेरे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया होगा मेरा ऑफिस कहाँ बना हुआ, तो वो आप अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले वाले जो भी एपिसोड है वो देख लीजिएगा ताकि आपको ये स्टोरी समझ में आ जाए। तो आपको पता ही है मेरा वहाँ ऑफिस है जो कि यहाँ पे है, ये वाला ऑफिस हमने यहाँ पे बनाया हुआ, जो भी हम इलीगल एक्टिविटीज़ होगी वो सब यहाँ पे करेंगे ठीक है ना, तो यहाँ पे तो लीगली अब यहाँ पे कर नहीं सकते, और थोड़ा मेरे को सेफ रहना भी जरूरी है, और मेरे को तो लगता है मेरे को ये जो बॉडी गार्ड है इसको भी नहीं लेकर जाना चाहिए, भरोसा नहीं है कल के दिन ही ये भी ब्लैकमेल करना चालू करता है, लेकिन टेंशन की बात नहीं, ड्राइवर है जो कि उसकी आपको पता है ड्राइवर का दिमाग कसका वही रहता है एनी टाइम, अगर उसको बोल दें तो 1 मिनट नहीं लगा रहेगा टपकाने के लिए ठीक है ना, तो उसके इस कस गए ना तो कभी भी इसको लुढ़का सकता है, वो अपन को टेंशन है नहीं, तो ये क्या बॉडी गार्ड वगैरह होगा तो सिक्योरिटी रखनी जरूरी, और ये सब सिक्योरिटी तब तक ही है, ये ध्यान रखिएगा जब तक अपनी के पास सीईओ की पोस्ट है, जियो सीईओ की पोस्ट जैसे भी जैसे सीईओ की पोस्ट जाएगी तो अपने पास ये जो भी सब कुछ है सब कुछ चला जाएगा ठीक है ना, ये कार्ड वगैरह जो भी है ना, तो इसलिए ना मैं क्या अभी जो सीईओ की पोस्ट है ना इसका बेनिफिट मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि अपने पास जो भी कैश वगैरह है ना जितना हो सके बिजनेस में फटाफट से बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता हूँ ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि अपन को है ना जब फटाफट से कैश जनरेट हो जाएगा, तो अगर बाई चांस अपन को सीईओ की पोस्ट के रिजाइन वगैरह करना पड़े, हो सकता है कोई केस वगैरह हो जाए ना,
अपन काम, जैसे आपको पता ही है अपन जो काम करते हैं इलीगल करते हैं, तो उस हिसाब से अपन को अगर हो सकता है, अगर ये जॉब चली जाए तो अपने पास क्या क्या है। सो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिससे कि इनकम जनरेट हो सके। पहले भी इतना था नहीं, ठीक है, तो अपने पास एक ही बिजनेस था, अभी सेकेंड वाला अपन बिजनेस ठीक है ना एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने पास दो शोरूम हो जाएंगे, तो अच्छा खासा फर्दर दिन में तो आपको पता ही है सेल होगी तो कितनी इनकम जनरेट होगी। और एक शोरूम और है वो लेम्बरगिनी का, मर्सिडीज का है, उसको अपन देखेंगे परचेस करने का, ठीक है ना। ये अपन परचेस कर लेते हैं, और ये जो है ना 4 मिलियन डॉलर का जो मेरे पास ऊपर जो ये लोन होगा ना, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस 6 मंथ के अंदर अंदर है ना ये लगभग क्लियर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। मेरे पास क्या बिजनेस आइडियाज़ हैं और भी हैं, तो मैं उस हिसाब से, ठीक है, और है ना मेरे को हाउस भी जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो वो देखूंगा कौन सा हाउस है कैसा। और अपने यहाँ पे ये क्या करना, गैरेज है, तो यहाँ पे क्या अपन कुछ व्हीकल्स वगैरह जो भी रखना चाहे वो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट से जाता हूँ, जो अपना जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो लॉयर है, वो भी यहीं पे आए हुए, सबसे उनसे मैं बात करके आता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं वो, क्या डील होती है मेरी, ठीक है, फटाफट से मैं आता हूँ। तो मैंने अपने प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है मैंने, ठीक है, और लॉयर भी आया हुआ था, तो उसने लॉयर ने कहा मैं पेपर वगैरह जो पेपर्स है वो मैं रेडी करता हूँ, और मैं देख लेता हूँ पेपर्स में कुछ गड़बड़ वगैरह नहीं हो, और जो वो जेन्यून है कि नहीं है वो चेक कर रहा है, ठीक है, वो चेक करके बता देगा, ठीक है, कि पेपर्स वगैरह जेन्यून है नहीं। और जो लॉयर है और जो मेरा प्रॉफिट डीलर है, उसने मेरी डील फाइनल कर लिया, उसने कहा 5 मिलियन डॉलर है, तो उसमें डील कन्फर्म किया, और 50,000 डॉलर उसको कमीशन के प्रोवाइड करवाने होंगे, वो भी अलग से, ठीक है। तो अपने कहा वही नहीं यार, अब देखो यार प्रॉपर्टी डीलर है तो देने तो पड़ेंगे, ठीक है। तो अपन को ये डील हो गई है, और मैंने जो 50,000 डॉलर थे वो मेरे पास कैश थे, तो मैंने इसको दे दिए, ठीक है, वो क्लियर हो गया। अब अपने पास है कैश के रूप में, यानी कि अभी 0 रुपीज़ है, हॉट डे हुआ, और मैं अभी बैलेंस चेक करते हैं, काम करते हैं अपन चलेंगे और बैलेंस चेक करेंगे कि अपने बैंक के अंदर कितना अमाउंट है। और आज सॉरी आज तो बैंक की छुट्टी है, तो आज तो अपन जा नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, अपन कल के चल के देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने ये डील कर ली है, यहाँ से अपन चलते हैं वापस, ठीक है, और यहाँ पे चल के एक काम करते हैं, फ्रैंकलिन के वहाँ से वगैरह उनसे मिलते हैं अपन, ठीक है ना। उसने यार कार तो ले ली है, और वो कह रहा था ना कहना कुछ पता नहीं काम गया, और उस मैंने बोला भी था उसको शोरूम जाएगा, तो अपन एक काम करते हैं फटाफट से चलते हैं शोरूम, और शोरूम चल के देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। और ट्रेवल लेसनर उनसे भी मिलना है, देखते, क्योंकि केस से तो हम फ्री हो गए, ठीक है। और ये लोहे ने अभी एक मेरे को बात बोली है, ये ध्यान रखना कि आपने FIR की हुई है, तो FIR के हिसाब से चलना, क्योंकि पुलिस भी सिक्योरिटी लगी हुई, अगर पुलिस को आपके ऊपर शक हुआ तो आपको अरेस्ट भी कर सकती है, तो ज़्यादा कुछ करने की कोशिश मत करना भाई, फिलहाल 1 महीने के लिए शांति रखो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिस वजह से पुलिस को आपके ऊपर शक हो। तो मेरे को अभी कुछ इलीगल एक्टिविटीज वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अपन लीगली इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ना फटाफट से फरारी का शोरूम वगैरह परचेस कर लूँगा ना, और लोन्स वगैरह होंगे तो इनको क्या शक नहीं होगा मेरे ऊपर, ठीक है। और वो जो गैंग थी उस गैंग का भी मेरे को बजाना है गेम, लेकिन क्या करेगा अभी फिलहाल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लॉयर ने बोला है 1 मंथ के लिए शांति रखो, जब तक ये पुलिस इस केस को सॉल्व करके जो तुम्हारी जो पुलिस की जो सिक्योरिटी लगी जब तक वो हट नहीं जाती है, जब तक वो ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि पुलिस घर पे भी है और है ना, ठीक है, तुम्हारे साथ ही, और तुमने उसको हटा दिया तो वो एक सेफ वे है ना, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी तो तुम सेफली बच पाओगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना घर पे और ऑफिस में एनी टाइम सिक्योरिटी रहेगी, तो उनको अगर कुछ भी शक हुआ है, कुछ सुन लिया या कुछ उनको फिर सबूत वगैरह मिल गया है, तो वो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, तो हमें अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जब तक पुलिस की जो भी है ना इन्वेस्टिगेशन वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक शांति रखना है, ठीक है। तो अपन जब तक लेसनर वगैरह भी मिलते हैं और उनको पूछते हैं कौन थी गैंग क्या है, फिर है ना ये जैसे पुलिस की अपनी सिक्योरिटी हटेगी तो गैंग है उसका बैंड बजा देंगे, ठीक है। वैसे इन्होंने ये जो गैंग ने अटैक किया था ये तो नीचे के थे, टट्टू रे जो भाड़े के टट्टू होते वो थे, मेन लीडर जो है वो कौन था उसको टपकाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन फटाफट अभी चलते हैं उनके पास और अपन चल के देखते हैं क्या है, ठीक है। अपन आ चुके हैं शोरूम में, ठीक है, और यहाँ पे फ्रैंकलिन की गाड़ी भी रखी हुई, ठीक है। अपन ओहो लेसनर तो इधर ही देख रहा, अपना इंतजार कर रहा था, आई थिंक लग तो ऐसे ही रहा है, ठीक है। तो अपन आ चुके हैं और अपन चलते हैं, अब सिक्योरिटी गाड़ी वाड़े साथ ही है, सब जगह सिक्योरिटी सिक्योरिटी दे के यार अजीब लग रहा है मेरे को, देख सब जगह यार इतने इतने मतलब क्या कहूँ मैं भाई यार, इतने सिक्योरिटी गार्ड हो गए ना, जा पुलिस भी सिक्योरिटी, कंपनी की तरफ से सिक्योरिटी, मेरी खुद की सिक्योरिटी, इतना सिक्योरिटी गार्ड हटाने पड़ेंगे। चलो मैं जाके फ्रैंकलिन से बात करता हूँ क्या हुआ, पेपर पता नहीं यार फोन चला रहा है, ड्राइवर तो नशे में रहता है, लेसनर बार किसका देख रहा है, क्या इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो मैं इनको बात करके देखता हूँ क्या बोल रहे हैं, क्या बात हुई है, ठीक है। मैं फ्रैंकलिन फटाफट से बात करके आता हूँ। दोस्तों मेरी फ्रैंकलिन और ट्रेवर और लेसनर से बात हो गई है, और उनके पास एक परमिशन आया हुआ कुछ
पता नहीं यार कहीं से कबाड़ के लाया है। ठीक है, तो मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा है कि मेरे को पता चल गया है क्यों अटैक किया था, क्या किस वजह से अटैक किया था, उन्होंने पता लगा लिया। ठीक है, वो कह रहे हैं ब्लास्ट गैंग पे तुमने अटैक किया था, तो ब्लास्ट गैंग से पता नहीं कुछ पार्टनरशिप करके कुछ पैसे खिलाए होंगे, तो उस वजह से जो ये लॉस सेंटोस वेगास की जो गैंग है ना वो आपस में दुश्मन है, फिर भी उन्होंने अपन ने ऊपर पैसों के चक्कर में अटैक किया। ठीक है, और वो इसलिए किया ताकि ये अब अपन से वो है ना पार्टनरशिप कर सके और बलास गैंग के ऊपर अटैक कर सके। ठीक है, और अपनी बलास गैंग भी के दुश्मन है और लॉस सेंटोस वेगास की भी। ठीक है, लेकिन अपन इन पे विश्वास नहीं कर सकते, ये अपन से बलास गैंग से बदला लेने के लिए लॉस सेंटोस वेगास ने अपने ऊपर अटैक किया ताकि अपन उनसे पार्टनरशिप करके और ये अपन दोनों को ना बलास गैंग से फाइट करवा के अपन वो बीच में जीत सके। ठीक है, तो चक्कर में किया था। ठीक है, लेकिन अपन इनके बीच में आए नहीं। ठीक है, और अपन क्या करेंगे फटाफट से, अपन ये ना जब ये जैसे मेरे लॉयर ने 1 महीने को वेट करने का वेट करते हैं और इन्होंने के पास ये कुछ जो ना कोई मिशन आया हुआ। ठीक है, तो मैंने इनको बोल दिया, मेरे को मेरे लॉयर ने 1 मिनट 1 महीने के लिए कुछ भी करने से मना किया और मेरे साथ पुलिस की पूरी सिक्योरिटी है तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो इनका जो मिशन है ये खुद करेंगे, मैं इनका अभी इन्वॉल्व नहीं हूँ जब तक है। ठीक है, और जो ये नेक्स्ट मिशन है ये करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा इनका क्या है और क्या किया। ठीक है, तो अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताएगा जरूर आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और वीडियो अपने दोस्तों फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।